मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। रेशनल नंबर वैसा नंबर जिसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p और q कोई भी नंबर्स होगा, इंटीजर्स होगा, लेकिन q जो है जीरो नहीं होना चाहिए। यानी ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर वैसे रेशनल नंबर को कहेंगे जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन का होगा, यानी दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, तो वो रेशनल नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 6/7, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ पे -4/-9, यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव है। तो किसी भी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो ऐसे रेशनल नंबर को पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा है निगेटिव रेशनल नंबर, वैसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक निगेटिव होगा, तो वैसे रेशनल नंबर को निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। यानी दोनों में से कोई एक, यानी या तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों में से कोई अगर निगेटिव है एक, तो वो रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए -6/7, इसमें न्यूमरेटर 6 निगेटिव है जबकि डिनोमिनेटर 7 पॉजिटिव है, या 4/-9, यहाँ न्यूमरेटर 4 पॉजिटिव है जबकि डिनोमिनेटर 9 निगेटिव है, तो इस तरह से ये निगेटिव रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स में जैसा कि बताएं कि कोई भी नंबर जिसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सब रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो रेशनल नंबर के कलेक्शन में, सेट में सभी फ्रैक्शंस, इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स शामिल हैं, ये सभी आ जाते हैं, क्योंकि इन सभी को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि 1/2 या -3/2, 4/10, ये सभी फ्रैक्शन है, तो ये सब p by q के फॉर्म में है, ये सभी रेशनल नंबर कहलाएंगे। उसी तरह से इंटीजर्स जैसे -3 है, -15 है, या 0 है, या 102 है, इस तरह से कोई भी इंटीजर्स, इन सभी को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -3 है तो -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं p by q के फॉर्म में, तो -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं जो कि p by q के फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से -3 जो इंटीजर है इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। उसी तरह से कोई भी जो इंटीजर है जैसे 102 है, तो 102 को भी हम 102/1 लिख सकते हैं, ये भी p by q के फॉर्म में हो गया, तो इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर हम 0 ले, 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि वो भी इंटीजर्स में आते हैं, और 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं जो कि 0 होगा, तो 0/1 p by q के फॉर्म में है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। इस तरह से नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 जो भी है उसको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उस सबके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, तो नेचुरल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। इस तरह से हमने रेशनल नंबर को समझ लिया। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? कोई भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका सेम वैल्यू होता है, लेकिन वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे p by q रेशनल नंबर है,
और इसमें हम पी वाई क्यू के पी में कोई नंबर एम से और क्यू में भी कोई नंबर एम से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आएगा पी एम और डिनोमिनेटर में क्यू एम, तो ये पी बाई क्यू के इक्विवेलेंट होगा पी एम बाई क्यू एम। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। उसी तरह से अगर कोई रेशनल नंबर पी बाई क्यू है और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेड रेशनल नंबर होगा वो भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे 2/3 एक रेशनल नंबर है और इसमें हम कोई एक नंबर लेते हैं जो कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम 2 लेते हैं और 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो जो रेशनल नंबर हमें मिलेगा 4/6, ये 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। यानी 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 4/6 है। तो हम 2 और 3 में दोनों सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया है। उसी तरह से अगर 10/15 ये एक रेशनल नंबर है और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं जो कि नॉन जीरो है, जैसे अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने पे जो रिजल्टिंग नंबर आएगा 2/3, ये 10/15 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं, निकाल सकते हैं। यही प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर है, यानी किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लेकिन नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। तो जो रेशनल नंबर हमें मिलता है वो रेशनल नंबर उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है। ये हुआ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किस रेशनल नंबर को बोलेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म उस रेशनल नंबर का। जैसे अगर हमें कहा जाए कि 12/15 का ये जो रेशनल नंबर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो पहले हम जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी रेशनल नंबर का किसको कहेंगे। तो इसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। किसी भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है तब जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है। दूसरा बात कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावे कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। जैसे अगर हम 5/6 लेते हैं तो ये रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि पहला नियम बताए थे कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, और दूसरा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होना चाहिए, यानी कि 5 और 6 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावे दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। तो अगर 5 का हम फैक्टर देखते हैं तो 1 और 5 होगा, और 6 का अगर फैक्टर लेते हैं तो 1, 2, 3 होता है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये
रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो 5 बाई 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसी तरह से अगर माइनस 5 बाई 6 लिखे तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम लिखें 5 बाई माइनस 6 तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर माइनस में है। लेकिन अगर हम लिखें 10 बाई 2a तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि 10 और 2a दोनों का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है। 1 के अलावे 2 भी हो सकता है, 2 दोनों का फैक्टर है तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होना नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए क्या है रूल, दो होना चाहिए, दो रूल याद रखना है। एक कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होने चाहिए, यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर एक के अलावे कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, केवल 1 हो सकता है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब अगर कोई रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना हो कैसे निकालेंगे, जैसे हम 12/15 ये रेशनल नंबर लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि 12 और 15 दोनों का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 3 है, यानी कि 1 के अलावे 3 भी दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों का कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो भी होगा, यानी कि उसको बोलते हैं HCF, दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो निकालेंगे जिसको बोलते हैं HCF। तो HCF हम निकालेंगे किसका, 12 का और 15 का। 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो 12 को डिवाइड करेंगे 3 से और 15 को भी डिवाइड करेंगे 3 से। इस तरह से जो रिजल्टिंग रेशनल नंबर आएगा 4/5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी 12/15 को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे तो 4/5 हुआ। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक नेगेटिव रेशनल नंबर था, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर था। अगर मान लेते हैं कि 15/-20 ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और इसका फिर स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का दोनों को प्राइम होना चाहिए जो कि को प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालेंगे और उससे डिवाइड करेंगे और फिर हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में देखे थे किसी भी रेशनल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, सेम वैल्यू आता है, इक्विवेलेंट आता है उस रेशनल नंबर का। तो हम पहले क्या करेंगे कि 15/-20 है तो इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा -15 और नीचे हो जाएगा +20, -20। अब तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। अब सेकेंड हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे 15 और 20 का। तो 15 और 20 का HCF जो है क्या होगा, 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 और 20 का 5। अब क्या करेंगे, HCF निकालने के बाद हम इस 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे और इस तरह से रिजल्टिंग रेशनल नंबर जो आएगा
माइनस थ्री बाई फोर जो कि इसके इक्विवेलेंट होगा और यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, यानी 15 बाई माइनस 20 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो माइनस थ्री बाई फोर होगा। इस तरह से हम किसी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम रेशनल नंबर को कंपेयर करना। कोई भी दिए हुए दो रेशनल नंबर को कंपेयर करके हम कैसे पता करेंगे कि दिया हुआ रेशनल नंबर दूसरे से छोटा है, बड़ा है या बराबर है? तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे 2/3 और 4/5 ये दो रेशनल नंबर है और इसको कंपेयर करना है, हमको पता करना है कि छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। इस तीन साइड का यूज करके हम कंपेयर करते हैं और यहाँ पे हमको पता करना है, उसके अनुसार हम फिल करेंगे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों रेशनल नंबर को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे। तो पहले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को दूसरे नंबर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू आएगा 10। फिर दूसरे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को पहले रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू आया 2l। अब ये दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे 10 और 2l में, 10 जो है 12 से छोटा है, लेस देन है, इसका मतलब पहला रेशनल नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। इस तरह से हम लेस देन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/7 और 4/7 ये दोनों रेशनल नंबर, अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 7 पहले रेशनल नंबर के न्यूमरेटर दूसरे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर जो कि 28 आएगा, फिर दूसरे रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और पहले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पे 28 आएगा, और चूंकि दोनों इक्वल है, इक्विवेलेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/7 इक्वल 4/7, यानी दोनों रेशनल नंबर इक्वल है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम आगे देखते हैं कि किसी रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसपे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं, यानी उसको जीरो मानते हैं। तो हम बीच में एक पॉइंट लेंगे, ये जीरो है। अब इस जीरो के राइट साइड, स्ट्रेट लाइन पे इस जीरो के राइट साइड में हम जितना आगे जाएंगे वो उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे रेशनल नंबर उसका वैल्यू निगेटिव होगा। और राइट साइड जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज होगा, और लेफ्ट साइड में बढ़ने पे इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, इधर माइनस और इधर प्लस। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव रेशनल नंबर और जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव रेशनल नंबर। अगर मान लिए कि हमें 5/6 इसको रिप्रेजेंट करना है, इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो 5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें यह देखना है कि ये जो दिया हुआ रेशनल नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है,
और दोनों 5 और 6 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों को प्राइम है, यानी कि अदर देन वन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जितने नंबर होंगे हम उतना इक्वल यूनिट्स लेके उतने पार्ट इसमें ड्रॉ करेंगे, उतने पार्ट बनाएंगे। जैसे 6 है डिनोमिनेटर, हम 0 से इक्वल यूनिट लेके यानी 1 सेंटीमीटर या 1 इंच इक्वल डिस्टेंस लेके हम इस तरह से मार्क करेंगे वर्टिकल लाइन। कितने मार्क करेंगे, 6, क्योंकि डिनोमिनेटर 6 है, 1 2 3 4 5 6। और डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना करने के बाद हम इसको 1 लिखेंगे, 1 डिनोमिनेटर में जितना रहेगा हम 1 लिखेंगे, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर 6 होने का मतलब है कि जो भी न्यूमरेटर है उसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम यहां पे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए किसको, 1 को, एक नंबर को, एक किसी पार्ट चीज को हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अब ऊपर में 5 है तो हम क्या करना है, 0 से काउंट करना है, 0 0 के बाद से 0 तो इनिशियल पॉइंट है। अब यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 जहां पे आ गया ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, तो इसको हम ये 5/6 लिखेंगे, यही हमारा 5/6 रेशनल नंबर है जो ये पॉइंट डिनोट करेगा इस रेशनल नंबर को, 5/6 रेशनल नंबर को ये पॉइंट डिनोट करेगा। ये टोटल 6 है और वो 5 है, 5/6 यानी 5 आउट ऑफ 6, 6 में से 5 ये 5/6 को डिनोट करेगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमको माइनस में अगर कोई है, जैसे आपको माइनस में दिखाना है, -5/6 अगर दिखाना है, इसी चीज का एग्जांपल लेते हैं, माइनस में नेगेटिव रेशनल नंबर, तो हम यही काम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में करेंगे, 0 के लेफ्ट साइड में इक्वल 6 यूनिट्स देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, -1, और फिर हम 0 के बाद से इसको काउंट करना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट की ओर, 1 2 3 4 5, ये जो 5 है पांचवा, ये -5/6 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एक और रेशनल नंबर लेते हैं और नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे, जैसे इसको लेकर देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसको किस तरह से शो करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और चूंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव हमको लेफ्ट साइड में कुछ शो करना नहीं है, इसलिए हम लेफ्ट साइड में कम स्पेस छोड़ेंगे, राइट साइड में ज्यादा स्पेस लेंगे, तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। अब जैसा कि बताया कि डिनोमिनेटर जितना रहेगा उतना इक्वल पार्ट को 1 मानना है, तो डिनोमिनेटर में 3 है तो हम एक इक्वल यूनिट लेके इक्वल डिस्टेंस लेके इस पे मार्क करेंगे, और जो 3 मार्क्स होगा उसको हम 1 मानेंगे, 3 पार्ट को 1 मानेंगे। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 इसको 2 मानेंगे, फिर 1 2 3 ये 3 हुआ, इस तरह से हम 3 3 इक्वल पार्ट में हर एक नंबर को, हर एक इंटीजर को डिवाइड करेंगे। अब हम 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जितना न्यूमरेटर होगा, तो 0 से हर एक पार्ट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 के ठीक बाद ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट करना है ये -7/3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हम अगर कोई निगेटिव रेशनल नंबर है तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही काम हमको लेफ्ट साइड में करना होगा। इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को
नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि दिए हुए दो रेशनल नंबर के बीच में एक या एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करना। जैसे मान लिए कि ए और बी ये कोई दो रेशनल नंबर है और इसके बीच में हमें कोई एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ए और बी यानी दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या कहें कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्टिंग रेशनल नंबर आएगा वो दोनों रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि 4 और 5 इसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, हम क्या करेंगे दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1/2 इंटू 9 और ये आ जाएगा 9/2। तो 4 और 5 के बीच में 9/2 एक रेशनल नंबर है। एक और हम फ्रैक्शन का एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 2/3 और 3/4 ये दो रेशनल नंबर है, इसके बीच में हमको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे दोनों रेशनल नंबर को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है रेशनल नंबर, इसको पहले ऐड करते हैं। इस तरह से 2/3 और 3/4 ये दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर 17/24 होगा। तो ये हम एक रेशनल नंबर देखें, अगर हमें एक से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए हम दूसरा मेथड का यूज करेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 और 3 इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे पहले हम इसको 2 और 3 दोनों को p/q के फॉर्म में लिखेंगे रेशनल नंबर के रूप में, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं और 3 को 3/1। अब क्या करना है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है यानी कि ये लाइक फ्रैक्शन है तो जितने नंबर फाइंड करने हैं उनके बीच उससे एक ज्यादा नंबर से हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अगर हमें फाइंड करने हैं 5 रेशनल नंबर, अगर 5 रेशनल नंबर अगर हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना है, तो 2/1 2 में 6 से और 1 में भी 6 से करेंगे, तो इस तरह से 12/6 आया। और वही काम इसमें भी करेंगे, 3 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में भी, इस तरह से 18/6 आएगा। अब ये दो रेशनल नंबर के बीच में हम देखेंगे कि कितने अदर रेशनल नंबर आते हैं, तो चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो हम दोनों के न्यूमरेटर को देखेंगे, पहला जो है 12/6 और लास्ट है 18/6, दूसरा बड़ा है तो छोटे वाले से हम आगे काउंट करते जाएंगे, तो 12 के बाद 13
by 6, 14 by 6, 15 by 6, 16 by 6, 17 by 6 और लास्ट जो है 18 by 6। इस तरह से 12 by 6 और 18 by 6 के बीच में पांच रेशनल नंबर हमें मिल गया। और इसी को हम वापस, जैसे 12 by 6 जो है क्या है 2 के इक्वल है, और 13 by 6 अब यहां पे कट रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको काट के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से कट रहा है, 2 से जा 2 3 जा, इसको हम 7 by 3 लिख सकते हैं। ये 3 से कट रहा है, 3 5 जा 3 2 जा, इसको 5 by 2 लिख सकते हैं। 2 से कट रहा है, 2 8 जा 2 3 जा 8 by 3, और ये 17 by 6 ये 3। इस तरह से 2 और 3 के बीच में 13 by 6, 7 by 3, 5 by 2, 8 by 3 और 17 by 6 से 5 रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह से हम और भी रेशनल नंबर जितने चाहिए 10, 11, 12, 50, 100 जितने चाहिए उतने फाइंड कर सकते हैं।